अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू किचन विद एनवी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं रेसिपी बनाने लगी हूँ, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। हम नमक पारे आज बनाने लगे हैं और उसके साथ हम बनाएंगे गुड़ वाली चाय, क्योंकि देखें चाय वगैरह जो है हम रोज़ डेली रूटीन में पी रहे होते हैं और बोर हो जाते हैं। तो मैंने कहा कुछ चेंज करना चाहिए, तो हम गुड़ वाली चाय बनाएंगे और आप देखते जाएँ स्टेप बाय स्टेप। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने जो नमक पारे के लिए इन्ग्रीडियंट्स ले लिए हैं, सबसे पहले मैंने ले लिया है मैदा, 2 कप मैदा ले लिया है, घी ले लिया है 1/2 कप, 1/2 टीस्पून नमक ले लेंगे हम, ज़ीरा हम ले लेंगे 1 टेबल स्पून। तो हम जो है डो तैयार कर लेते हैं नमक पारों की। तो सबसे पहले हम नमक ले लेंगे, 1 टीस्पून हमने नमक इसमें ऐड करना है। ज़ीरा हम 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। अच्छा, अब जो घी हमने मेल्ट करके रखा होता है, अच्छा घी को आप जो है मेल्ट कर लीजिएगा लाजमी, इसलिए क्योंकि आराम से फिर वो मैदे में मिक्स हो जाएगी। पहले हम ले लेते हैं बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे, बस इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें हम घी डाल देंगे और हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको। हमने इतनी अच्छी तरह इसको मिक्स करना है कि ये पूरा जो है मैदे में लग जाए। इसको बिल्कुल आप देखें इस तरह से मिक्स करें ताकि मैदे में ये मिक्स हो जाए और हमारी डो जो है अच्छी सी तैयार हो। अच्छा, आप इसको जो मुकम्मल गूंद लेंगे तो आप उसमें पानी ऐड करें, जैसे हम समोसे की जो डो बनाते हैं उसमें भी हम यही करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसमें ऐड करना है। ये देखें घी जो है इसमें अच्छे से लग चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, जिससे हम इसको गूंद लेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसको गूंद लेंगे और डो तैयार कर लेंगे। सो गाइस, देखें मैंने इसको अच्छी तरह से जो है गूंद लिया है, बहुत अच्छी तरह से। आप बिल्कुल इसको मुकम्मल गूंद लें, उसके बाद आप इसको राइज होने के लिए 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। सो गाइस, अब हम बनाने लगे हैं चाय, गुड़ वाली चाय। तो उसके लिए मैंने ले लिया है दूध, दूध मैंने लिया है 1/2 केजी, पानी 1 गिलास, 100 ग्राम हमने गुड़ ले लिया है, चाय की पत्ती हमने ले ली है। आप कोई भी चाय की पत्ती यूज़ करें, जो भी आप यूज़ करते हैं। तो ये मैंने ले ली है 2 टेबल स्पून और यहाँ पे इलायची ले ली है मैंने 4 से 5। तो चलें अब हम चाय बनाते हैं। तो हमने ले लिया है यहाँ पर एक सॉस पैन, मैं इसमें डाल दूँगी 1 ग्लास वाटर और हम इसमें डाल देंगे 1/2 केजी दूध। इसको हम थोड़ा सा पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पर, दूध थोड़ा सा पक जाए तो इसमें हम ऐड कर देंगे इलायची और अदरक के हम पीस ले लेंगे 3 छोटे छोटे से और इसको पकाएंगे थोड़ी देर। तो देखें दूध जो है पकने लग गया है, अब हम इसमें डाल देंगे पत्ती 2 टेबल स्पून और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे गुड़, और गुड़ हमने बिल्कुल आखिर में शामिल करना है कि चाय हमारी बिल्कुल तैयार हो और फिर हम इसमें गुड़ मिक्स करें और फ्लेम को ऑफ कर दें। हमने इसलिए आखिर में डालना है ताकि हमारी चाय ख़राब ना हो, फट ना जाए। और हाँ, आप पीस कर भी गुड़ को इसमें शामिल कर सकते हैं। तो देखें डो हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, राइस हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे। ये देखें कितनी अच्छी और कितनी सॉफ्ट हमारी डो रेडी हुई है। अब मैं इसके पीसेस कर लूँगी 2 और इसको बेल लूँगी। तो चलें अब हम इसको बेल लेते हैं।
थोड़ा सा हम इसमें जो है मैदा ऊपर से डाल देते हैं ताकि आसानी से इसको हम बेल सकें। इसको हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना क्योंकि हमने इसके नमक पारे बनाने हैं और हमने एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। तो देखें इसको मैंने बेल लिया है, ऐसी बड़ी सी रोटी हमने बेलनी है। अब थोड़ा सा आउट ऑफ शेप है ये, कोई बात नहीं वो कवर हो जाएगा। तो चले अब हम इसको कट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो कटिंग करनी है इसकी सीधी करनी है। तो इस तरह से काटने के बाद कट लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, तिरछा हमने इसको काटना है ताकि जो है नमक पारे की जो शेप आ जाए। बहुत एहतियात से इसको आपको कट करते जाना है। यार तो देखें हमने इसको कट लगा लिया है, कितना प्यारा इसका शेप आ गया ये देखें। इसको अब हम उठा लेंगे, एक प्लेट में डाल देंगे, सबको उठाते जाएंगे एहतियात से और अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो चले हमने जो है ऑयल को गर्म कर लिया है। अब भी हमारा ऑयल ऑलरेडी गर्म है तो अब मैंने इसकी जो है फ्लेम लो कर दी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी जो हमने नमक पारे कट कर लिए हैं। और इसको मैं अलहदा कर लूंगी। बहुत ही मज़ेदार हमारे नमक पारे रेडी होने वाले हैं। चाय हमने रेडी करके रख ली है, हमारी चाय बिल्कुल रेडी है और नमक पारे और गुड़ और इलायची वाली चाय के साथ बहुत ही मज़ेदार का शाम का नाश्ता आप मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं। रूटीन में घर की तब भी आप रख सकते हैं कि ऑफिस से आ रहे हैं हमारे जेंट्स, उसके बाद आप घर में इसको बना के रखें और फिर उनको दें, बहुत ही मज़े का लगेगा ये खाने से पहले। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, और अगर आप इसको ट्राई करें तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं, मुझे DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरा किचन विद एनबी के नाम से है, उधर भी मुझे फॉलो करें ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो गाइस देखें नमक पारे बिल्कुल रेडी हो गए। हम इसको ज़्यादा कलर नहीं देंगे, इसको निकाल लेंगे जल्दी से क्योंकि ये जब बाहर निकल जाएंगे ऑयल से तो ये ऑलरेडी इसमें कलर खुद आ जाएगा। बाकी के नमक पारे भी हमने फ्राई कर लिए हैं, मैं इसको भी निकाल लूँगी। तो गाइस रेडी है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान नमक पारे और गुड़ वाले चाय की रेसिपी। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स फैमिली के साथ ताकि वो भी देख सके कि कितने मज़े का रिफ़्रेशमेंट हमारा रेडी होता है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप इसको ट्राई करें तो मुझे आप Instagram पर DM कर सकते हैं उसकी पिक्चर ताकि मैं उसको स्टोरी पे लगा सकूं। तो फिर मिलेंगे आपसे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।